नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल माय जंगल डायरी में। हिमालय पर्वत, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, एशिया का जल स्रोत। यहाँ के ग्लेशियर एशिया की कुछ सबसे बड़ी नदियों को जन्म देती हैं और ये नदियाँ लाखों लोगों की जीवन रेखा हैं। पर इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच मौजूद कुछ अनूठे झीलें भी हैं। ये हैं हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, जो 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की ऊंची वेटलैंड्स, हम नज़दीकी से देखते हैं इन झीलों को और किस प्रकार की मुसीबतों को ये झेल रही हैं। तो आइए देखते हैं हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स। हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। इसकी बर्फीली चोटियों से हमारी नदियों का जन्म होता है। पानी की बूंदें मिलते मिलते दुनिया की कुछ सबसे विशाल नदियों को शक्ल देती हैं ये जलधाराएं। उथल पुथल से भरा, गाद से लबरेज हजारों लाखों गैलन पानी रोजाना इनमें आगे बढ़ता जाता है, जो लाखों करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर की लंबाई और 5 देशों में फैला है। ये दुनिया की सबसे नाजुक पर्यावरण प्रणालियों में से एक है। हिमालय पर्वत के आंचल में करीब 15,000 ग्लेशियर हैं, यानी मीलों की लंबाई में सुरक्षित ताजा पानी का भंडार। ये ग्लेशियर दुनिया की 3 प्रमुख नदियों को जन्म देते हैं। ये हैं सिंधु यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भारत के 60 करोड़ लोगों की जिंदगी को कायम रखती हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यहां पहाड़ों में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। यहीं से जलधाराओं, नदियों और झीलों का जन्म होता है। स्थायी बर्फ और नीचे मौजूद नम कटिबंधीय जंगलों के बीच मौजूद हिमाचल प्रदेश में कुछ अनूठे जलीय इलाके, जो इस राज्य के कुल जमीनी इलाके के 1% से भी ज्यादा हिस्से को कवर किए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के सबसे कम जाने खोजे इलाकों में छिपे हैं कुछ अनूठे दलदली इलाके। ये हैं हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पर मौजूद झीलें। ऊंचाई पर मौजूद इन झीलों का विकास लाखों साल के दौरान हुआ है। ये प्रकृति के शानदार शाहकार दुनिया की सबसे अनछुई और जीवंत पर्यावरण प्रणालियों में से हैं। इन प्राकृतिक झीलों में उन ग्लेशियरों और बर्फ से पानी आता है जो यहां आसपास मौजूद हैं। ये झीलें ग्लेशियरों से निकले पानी और नदियों और जलधाराओं के बीच एक भंडार की भूमिका निभाती हैं। ये विशाल स्पंज की तरह काम करती हैं। ये पानी को इकट्ठा करती हैं और जमीन के नीचे मौजूद जल भंडारों को पानी से भरपूर बनाए रखती हैं। इस तरह ये हमारी नदियों में पानी की मात्रा को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन आज ऐसी कई प्राकृतिक विरासतें गंभीर खतरे में हैं। हिमाचल में ऊंचाई पर मौजूद कई झीलें हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बेहद नाजुक और पर्यावरण के नजरिए से महत्वपूर्ण झीलों पर ले चल रहे हैं, जिनका अस्तित्व ही इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में पड़ गया है। चंद्रताल लाहौल स्पीति घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित है। चंद्रताल झील 14,000 फुट की ऊंचाई पर हिमालय और पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। इस झील को इसके अनछुए और गहरे पानी के लिए मान दिया जाता है।
चंद्रताल को अपना नाम मिला है चांद जैसे इसके अनूठे आकार के कारण। इसका व्यास करीब 2.5 किलोमीटर है। माना जाता है कि इसका निर्माण आखिरी हिमयुग के अंत में हुआ। इसका उद्गम और गहराई आज भी एक रहस्य है। ऊंचाई पर मौजूद अन्य झीलों के विपरीत चंद्रताल में किसी ग्लेशियर से पानी आता नजर नहीं आता। माना जाता है कि लाखों साल से जमीन के नीचे से आने वाला पानी ही इस झील का एकमात्र जल स्रोत है। चंद्रताल झील देश की सबसे अनछुई और अपने मूल स्वरूप वाली ऊंचाई पर स्थित झील पर्यावरण प्रणालियों में से एक है। इसे 2005 में इसके प्राकृतिक और पर्यावरणीय महत्व के कारण एक रामसर साइट घोषित किया गया। नमी की मौजूदगी, बेहद ठंडे तापमान और बंजर इलाका होने के कारण इस क्षेत्र में एक अनूठी भूस्थिति बन गई है, जिससे यहाँ पेड़ पौधों और जीवों की कुछ बेहद दुर्लभ प्रजातियां और किस्में कायम रह पाती हैं। यहाँ की चरम मौसमी स्थितियों के हिसाब से यहाँ की प्रजातियां ढल गई हैं। इनमें बेहद खतरे से घिरी हिमालयन आईबेक्स शामिल हैं। भेड़ जैसा दमदार जानवर होता है और यहाँ की बेहद तीखी चट्टानों पर रहता है। नीली भेड़ भी इस ऊंचाई वाले इलाके में मिलने वाला एक अनूठा जीव है। चंद्रताल प्रवासी पक्षियों के लिए भी आराम करने की एक लोकप्रिय जगह है। गर्मियों के अपने गंतव्य लद्दाख और तिब्बत की ओर बढ़ते समय ये यहीं झील के किनारे विश्राम करते हैं। इन पक्षियों के यहाँ आने और गर्मियों के महीनों के दौरान यहाँ तक पहुंच मुमकिन होने के कारण चंद्रताल एक अनूठा पर्यटन गंतव्य है। अभी कुछ साल पहले तक पर्यटक झील के ठीक किनारे तक अपने तंबू लगा सकते थे, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन के कारण यहाँ कचरे और प्रदूषण ने भी अपने कदम फैलाए। सफाई का कोई प्रबंध न होने के कारण कचरा या तो झील में पहुंच जाता था या फिर और नीचे नदियों में चला आता था। इससे चिंतित होकर हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने फौरन कदम उठाया। अब कैंप लगाने वाले सभी पर्यटकों को झील से 2.5 किलोमीटर पीछे ही रुकने की इजाजत दी जाती है। वन विभाग स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर अक्सर सैलानियों और स्थानीय समुदायों को जागरूक बनाने के कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। दुनिया की तमाम पर्यावरण प्रणालियों की तरह ये झीलें भी आज भारी दबाव झेल रही हैं। क्लाइमेट चेंज, गैरकानूनी कब्जे और बेरोकटोक पर्यटन, ये भी इन पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। रिसर्च से ये पता चला है कि बीते वर्षों के दौरान प्रदूषक तत्वों के स्तर बढ़ा है, जिससे इन नाजुक पर्यावरण प्रणालियों के अस्तित्व के लिए एक खतरा पैदा हो गया। आइए करीब से देखते हैं हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स एंड पोल्यूशन। धौलाधार और जंस्कार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद चंबा घाटी में स्थित है लामा डल। 13,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद लामा डल अनूठी झील प्रणाली है। ये कोई एक झील नहीं बल्कि 8 झीलों का एक समूह है। 7 छोटी पहाड़ी झीलों को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं आखिरी और सबसे बड़ी लामा डल तक। लामा डल को कई सदी से शिवजी का निवास मानकर उसका सम्मान किया जाता रहा है। स्थानीय लोगों के बीच इस झील का धार्मिक महत्व है। मैं 15 साल से लामा डल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पूरी मनोकामना पूरी हो रही है। मैं एक प्रार्थना में की थी, मेरी लाड़ी भागी मर गई थी, मैं अपने पुत्र को लाड़ी मंगाई थी, हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है, वो मेरे को अभी लड़का दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब लामा डल जो जाएगा सबकी उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ग्लेशियरों से पानी हासिल करने वाली ये झील
साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है और इसमें से कई जलधाराएं और नदियां निकलती हैं। गर्मियों के आते ही झील के आसपास का इलाका जिंदगी की हलचल से भर जाता है। यही वो समय होता है जब बंजारा जनजाति के लोग गद्दी अपने मवेशियों के साथ अपने वार्षिक प्रवास के दौरान इस झील के किनारे रुकते हैं। सदियों से ये चरागाह इनके चराई वाले पसंदीदा इलाके रहे हैं। ये झील और इसके आसपास वाले क्षेत्र गद्दियों की बहुत सी पीढ़ियों की जीवन रेखा बने रहे हैं और अक्सर इन लोगों के गीतों और लोक गाथाओं में यहाँ की खास अहमियत नजर आती है। लेकिन बदकिस्मती से आज गद्दी लोग परेशान भी हैं और चिंतित भी। बढ़ता तापमान और हद से ज्यादा चराई चिंता के मुख्य मुद्दे हैं। इस पहाड़ी इलाके में मौजूद सीमित वनस्पति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये पहाड़ों की साइडों को थामे रखती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। भेड़ बकरियों की ज्यादा चराई से झीलों की नाजुक पर्यावरण प्रणालियों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। ऊंचाई वाली एक और झील पर भी इंसानी हस्तक्षेप कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद नाको लेक भी अनूठी है। इस बंजर इलाके और पहाड़ी क्षेत्र में ये झील किसी नखलिस्तान से कम नहीं है। 12,000 फुट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन दुर्लभ होती है और इस झील को इसके शानदार भूदृश्य और शांत जल राशि के लिए जाना जाता है। चंद्रताल और लामादल जैसी दूरदराज झीलों के विपरीत नाको लेक विलो और पोपलार के पेड़ों से घिरी है। इसके किनारे पर एक छोटा सा गांव है। यहां वो किसान रहते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस झील पर निर्भर हैं। बारिश के पानी से भरने वाली ये झील नाको गांव के वासियों और झील के इर्द गिर्द मौजूद स्थानीय वासियों की जिंदगी रही है। ये प्रकृति और इंसान के बीच मौजूद सदियों पुराना सह अस्तित्व दर्शाती है। इस झील में सारा साल पानी की मौजूदगी बनी रहती है, जिससे इस इलाके में कृषि संभव हो पाती है। लेकिन आज ये झील भारी दबाव में है। तेजी से बढ़ती आबादी सदियों पुराने संतुलन को अस्थिर कर रही है। झील के नजदीक होटलों और कैंप साइटों के निर्माण के कारण अतिक्रमण हो रहा है, जो इस दबाव में और वृद्धि कर रहा है। ये बात समझने की जरूरत है कि नाको झील पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर इस झील का दम घुट जाएगा और पानी प्रदूषित हो जाएगा तो स्थानीय समुदाय अपने अस्तित्व और रोजी रोटी का ये एकमात्र स्रोत भी गंवा देंगे। इसी तरह पर्यटन के कारण हिमाचल प्रदेश की सबसे पवित्र झीलों में से एक पर भी बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं। चंबा जिले में स्थित भरमौर से 27 किलोमीटर पूर्व में मौजूद है मणिमहेश झील। ये झील करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका आकार लगभग 2 हेक्टेयर है। हर साल हजारों लोग मणिमहेश झील के दर्शन करने आते हैं। ये भगवान शिव का पवित्र निवास है। सर्दियों की लंबी जकड़ के बाद हर साल गर्मियों में कैलाश चोटी का प्रतिबिंब इसकी शांत जल राशि में नजर आता है। अवसर होता है एक महीने तक चलने वाला वार्षिक मणिमहेश मेला। इसे हर साल अगस्त से सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। मणिमहेश की यात्रा का फल है जो अपने मानते हैं जिसको, वो है जब कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ उस समय भोलेनाथ यहाँ तपस्या कर रहे थे तो सभी देवी देवताओं ने आके, सभी किन्नर गंधर्वों ने आके यहाँ पे
स्नान किया और अपने शरीर का जो सूतक मानते हैं अपने संस्कृति ग्रंथों के हिसाब से उसको उतारा और उसी पुण्य को मानते हुए अब तक यात्रु लोग इसी मनसा से वहाँ स्नान करते हैं कि सबके जो पाप कर्म होते हैं वो धुल जाते हैं। लोक गाथाओं के अनुसार ये मेला 6 महीने तक भगवान शंकर के यहाँ रहने के बाद कैलाश चोटी से प्रस्थान का प्रतीक है। इसका समापन झील के पानी में पवित्र डुबकी लगाकर होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस धार्मिक जोश और जश्न के बीच हम शायद झील की नाजुक पर्यावरणीय प्रणाली के महत्व को भूल जाते हैं। श्रद्धालु अपने साथ प्लास्टिक और जो अन्य कचरा लाते हैं वो इस इलाके की प्राकृतिक पवित्रता और स्वच्छता के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। झील के रास्ते में और उसके आसपास अनेकों लंगर, चाय की दुकानों और काम चलाऊ टेंट लगाए जाने से हालात और संगीन होते जा रहे हैं। कचरे के सुनियोजित निपटान की प्रणाली और जागरूकता की कमी के कारण झील पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। On an average, we understand there are about 400,000 people. हर साल औसतन 4 लाख लोग मणिमहेश जाते हैं। आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि 4 लाख लोगों में जाने से आर्द्रभूमि की परिस्थितियों पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। मुझे लगता है कि इन झीलों का प्रदूषण की वजह से ही अंत हो जाएगा, जो कि ना ही जैव विविधता और ना ही किसी समुदाय के हक में होगा। Either the wetland or the biodiversity or the community which are directly dependent on these wetlands. सौभाग्य से अब श्रद्धालुओं और सैलानियों को अपने कचरे की बेहतर साज संभाल और निपटान के बारे में जागरूक बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पहल से स्थितियां बदल रही हैं। जरूरत है मिलजुल कर कोशिश करने की। इस जल भंडार और इसके कछार क्षेत्र के पर्यावरणीय महत्व को सुर्खरू करने की, साथ ही श्रद्धालुओं को प्रकृति का सम्मान करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। देवभूमि है, कैलाश भूमि है, मला प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दोष मनुष्य है, मनुष्य साफ कर सकता है, मनुष्य गंदगी डाल सकता है, हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम प्रशासन वालों को लेकर हम सब पब्लिक यात्री जो भी है सबको मिल के ये अपने तीर्थ को स्वच्छता बनाए रखना है, इसी में सबको कल्याण होगा। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई पर मौजूद जल प्रणालियां नाजुक पर्यावरण प्रणालियां हैं, लेकिन बढ़ती इंसानी गतिविधियों और तापमान की वजह से इस प्राकृतिक विरासत के लिए खतरा पैदा। बेरोक टोक पर्यटन यानी अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, गैर कानूनी कब्जे और हद से ज़्यादा मवेशियों का इस इलाके में चरना, ये कुदरत के नाजुक बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये झीलें खतरे से घिर जाएंगी तो लाखों लोग जो यहाँ रहते हैं प्रभावित हो जाएंगे। यह समय है जब हमें ये समझना चाहिए कि इन हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स के साथ हद से ज़्यादा खिलवाड़ करने से हमारी अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है।